हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड के बाद अपने टॉपिक एक स्टार्ट किया था, फिल्ट्रेशन यानी कोलाइड विलयनों का शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन, उसी का पार्ट है। हमने पहले पढ़ लिया था डायलिसिस, और डायलिसिस के बाद अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रो डायलिसिस, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं उसका जो लास्ट टॉपिक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि अति सूक्ष्म फिल्टरण। इसमें क्या होता है, एक जनरली अपन जब पहले बहुत पहले अपन ने पढ़ा था कि जो फिल्टर करने के लिए क्या क्या चीजें अपन लैब के अंदर या कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो काम में लेते हैं। तो जनरली देखो, अपन क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक फिल्टर पेपर होता है, उससे फिर एसटीएम छोटे साइज का होता है, इसमें पोर्स का फर्क होता है। मतलब कैसे, जैसे फिल्टर पेपर है, मान लो कि फिल्टर पेपर है, कागज जैसा होता है ये, इसके अंदर पोर्स का साइज ये है। तो एसपीएम जो है, इसके अंदर पोर्स का साइज क्या होता है, छोटा छोटा होता है। अब जाहिर सी बात है, फिल्टर पेपर में से जो चीज गुजर जाती है वो एसपीएम में से नहीं गुजरेगी, ऐसा सबको समझा रखा आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हैव लार्ज साइज पोर्स, यानी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में क्या होता है, लार्ज साइज होती है पोर्स की, पोर्स यानी छिद्र, ठीक है। छेदों की जो संख्या है, छेदों की जो साइज है वो क्या होती है, इसमें बड़ी होती है। थ्रो विच कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल पास्ड, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो कोलोइडल सॉल्यूशन पास हो जाता है। अगर अपन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है हमारा साधारण फिल्टर पत्र है, उसी से इसको अगर प्योरीफाई करना चाहेंगे तो प्योरीफाई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन में निकल जाएगा और उसके साथ इम्प्योरिटी भी निकल जाएगी। जैसे मान लो आप चाय छानते हो, तो चाय छलनी की छलनी को काम में लेते हो, अगर उसी की जगह आप आटा छानने की छलनी लोगे तो उसमें से चाय के कण भी निकल जाएंगे और चाय पत्ती भी निकल जाएगी, दोनों ही चीजें, तो वो प्योरीफाई नहीं होगा। फिर उसी कंडीशन की बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि जब अपन साधारण फिल्टर पेपर लेंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो उस केस में क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल भी उससे पास हो जाते हैं, तो वैसा तो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसे अपन क्या करते हैं, कोलोडियन सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। व्हेन डिप्ड इनटू कोलोडियन, कोलोडियन सॉल्यूशन होता है, स्पेशली तैयार किया जाता है इसको, उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, ठीक है। साधारण फिल्टर पेपर की विशेषता क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो जनरली फिल्टर पेपर होता है उसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन भी पास हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक ऐसा फिल्टर पेपर बनाना है जो कोलोइडल सॉल्यूशन को तो रोक ले बट वो इम्प्योरिटीज को जाने दे। तो अपन ऐसा करने के लिए जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है हमारा, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, कोलोडियन, ठीक है, हिंदी में लिखा होगा आपके नोट्स में कोलोडियन, ठीक है, कोलोडियन सॉल्यूशन जो है हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, डुबो देंगे। डुबा दिया, वो बाहर निकाल लिया, उसे थोड़ी देर अपन सुखा देते हैं धूप में, उसके बाद उसके जो पोर्स हैं, उसके जो छिद्र हैं, उनकी जो साइज है वो अब कम हो जाती है, छोटी छोटी साइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पोर्स हैं, उनकी जो खाली जगह थी उसमें थोड़ा थोड़ा कोलोडियन सोल्यूशन बढ़ जाता है। अब वो कैसा बन जाता है, पोर साइज रिड्यूस एंड बिकम स्मॉलर, दिस इज कॉल्ड स्पेशल फिल्टर पेपर। इसका नाम विशेष फिल्टर पेपर क्यों रखा, क्योंकि ये एक स्पेशल टेक्निक से आपने तैयार किया। अब जो स्पेशल फिल्टर पेपर बना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नाउ कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट पास्ड, ध्यान रखना, अब जो हमारा फिल्टर पेपर बना उसे कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल पास नहीं होंगे, ठीक है, जबकि ऑर्डिनरी से हो जाते थे। अब यहां पे क्या होगा, डू नॉट पास थ्रू स्पेशल फिल्टर पेपर बट ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स। देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल रुक गए, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो छोटे छोटे पोर्स की साइज में से भी निकल सकते हैं, तो अपन चाह भी ऐसा रहते हैं कि कोलोइडल रुक जाए और जो इम्प्योरिटी है हमारे जो ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में वो सब पास हो जाए वहां से। तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन पास्ड इन दिस मैनर, कोलोइडल सॉल्यूशन इज फिल्टर, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यह अति सूक्ष्म सांद्रण कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों क्या किया अपन ने, मान लो कि ये फिल्टर पेपर लिया आपने, ठीक है, इसमें इतने बड़े बड़े पोर्स हैं, इसी फिल्टर पेपर को कोलोडियन में डाला और उसके बाद आपने फिर इसको सुखा दिया, तो इसके पोर्स का साइज क्या हो गया, अब कम हो गया, तब इससे कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल जो है रुक जाएंगे और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इससे बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से ये फिल्टर पेपर
हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एग्जाम के वे ऑफ से मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका डायलिसिस है, उससे क्वेश्चन आता है या इलेक्ट्रोडायलिसिस का डायग्राम पूछा जाता है। फिर भी पर अपने कोर्स में था तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे अपन बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक की। देखो हमने कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे शुद्धिकरण किया जाता है, उनका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारा जो लास्ट वन टॉपिक बचता है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडी विलियनो के गुण, ठीक है। ठीक, देखो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा अपन ने। सबसे पहले है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, दूसरा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में जाके प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है, किसी भी वे में देख लो आप, चाहे ऑर्गेनिक में देख लो, चाहे फिजिकल में देख लो, चाहे इनऑर्गेनिक में देख लो, अपन प्रॉपर्टीज सब कुछ स्टडी करने के बाद लास्ट में देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। काइनेटिक प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलेंगे आप गतिज गुण, ठीक है। इसको बोलेंगे आप प्रकाशिक गुण, और इसको बोलेंगे आप वैद्युत गुण। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट की काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अपने इसमें नोटबुक में, फर्स्ट। तो बच्चों आपने अपना हेडिंग लिख लिया होगा काइनेटिक प्रॉपर्टीज, और काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोमेंट को। मतलब काइनेटिक प्रॉपर्टी की जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा टॉपिक है ब्राउनियन मोमेंट। देखो ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने एक मोमेंट के बारे में बताया था, जैसे हिंदी में ब्राउनी गति बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। तो ब्राउन ने क्या किया कि कोलाइडी विलयन रखा हुआ है उसको एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से, यानी हाईली पावरफुली माइक्रोस्कोप जो था उससे देखा। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या देखा उसके अंदर, क्या ऑब्जर्व किया कि डीपी के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है डीपी के पार्टिकल, वो कंटिन्यूसली है ना इस तरह से जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। मतलब इसमें क्या होता है, जिगजैग मोशन में डायरेक्शन बदलते रहते हैं हमेशा पार्टिकल्स की। जैसे आपने देखे होंगे शाम के टाइम आप इकट्ठे हो जाते हो तो जो मच्छर होते हैं, ठीक है, उनको उड़ते हुए देखा होगा आपने। जैसे बाहर आप इकट्ठे होकर दो तीन जने बैठे हो आपके छत पे, आप देखना आज शाम को ट्राई कर लेना, बहुत सारे मच्छर आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। कई बार आपने मधुमक्खी को उड़ते हुए देखा होगा, जो हमारे रोड स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनके नीचे कीड़ों को आपने मोशन करते हुए देखा होगा इधर से उधर। उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, वो एकदम जिगजैग मोशन करते रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से डीपी के पार्टिकल कोलोइडल सॉल्यूशन में जिगजैग मोशन कर रहे थे, ठीक है। उस जिगजैग मोशन को ही उसने क्या कहा कि ये कोई ना कोई मूवमेंट करें, तो इसका नाम रख देते हैं। अब जगो देखने वाला कौन था, ब्राउन, तो उसने अपने नाम
नाम पे रख दिया कि इसे बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। और आगे जाके पता चला कि ब्राउनियन मोमेंट की वजह से क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ जब ब्राउनियन मोमेंट होता है तो ग्रेविटी का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो पाता डीपी के पार्टिकल्स पर। ठीक है, जो स्टार्टिंग में अपन ने कहा था कि डीपी के पार्टिकल का साइज अगर 1000 से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो ग्रेविटी नहीं लगती है, तब अपन ऐसा बोल सकते थे। आज हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन है, आज हम बोल रहे हैं कि जो ब्राउनियन मोमेंट है उसकी वजह से ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती किसके ऊपर, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे, और वो स्टेबल बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्राउनियन मोमेंट है क्या होता है, व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड बाय हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप देन इट इज फाउंड दैट डीपी पार्टिकल्स मूव्स इन जिगजैग डायरेक्शन। डीपी के पार्टिकल जो है जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं। ठीक है, दिस रैंडम मोशन ऑफ डीपी पार्टिकल्स कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चों के पास तो नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से वो पढ़ सकते हैं। देखो इसके दो एग्जाम्पल भी है, जैसे टॉर्च इन डार्क रूम। ठीक है, आप बिल्कुल अंधेरा कमरा है उसके अंदर कभी टॉर्च जला के देखो या कोई रोशनदान से कोई रोशनी आती हुई नजर आती है, तो उसमें आपको जो रोशनी का रूट है, जो टॉर्च की लाइट का रूट है, उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा। दिन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, रात में बात नहीं कर रहा, दिन में भी आप देख सकते हो कि वहां पर आपको बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे मच्छर्स की तरह। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ क्या कोलॉइड है, जिसके अंदर डीएम कौन है, वाटर, एंड डीपी कौन है, जो बारीक पार्टिकल है वो, तो वो कंटिन्यूसली रैंडमली मोशन कर रहे हैं। आप उस रोशनदान की जो रोशनी है या टॉर्च की जो रोशनी है उसमें देखकर तो आप सोचते हो यार इतने सारे पार्टिकल हमारे चारों ओर हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइम दिखाई दे रहे हैं। अब उस टाइम क्यों दिखाई दे रहे हैं उसका भी आगे एक रीजन है, जो अभी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में अपन पढ़ेंगे। बाकी जगह क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी अपन उस टाइम क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे आप कभी मूवी देखने गए होंगे, ठीक है, मूवी देखने जाते हो तो आप बैठे रहते हो, सामने पर्दा होता है, पीछे से एक प्रोजेक्टर के लिए लाइट बीम आता है, उस लाइट बीम को आप देखते हो तो उसमें भी वही सीन दिखाई देता है कि बहुत सारे मच्छर पार्टिकल्स जो है, हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये है जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, जिसे अपन कहते हैं ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है बेटा, तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए। आज अपन आगे बात करने वाले हैं इसके कॉज ऑफ ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मोमेंट, कारण क्या है इसका। ठीक है, और एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे लिखना होता है, कॉज ऑफ ब्राउनियन मोमेंट, शॉर्ट में मैं बीएम लिख रहा हूं। तो देखो, डीपी पार्टिकल्स continuously hits with DM। आप ही मेरे साथ साथ लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, एंड इन ईच कॉलिजन direction of DP particles changed, hence DP particle DP particles moves randomly। ठीक, तो ये किसका कॉज है, ब्राउनियन मोमेंट का कॉज है। क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं
हमारे एटमॉस्फेयर का एग्जांपल लेता हूँ, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और किसके साथ हिट हो रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। और जब वो एयर के पार्टिकल्स के साथ हिट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा कि जब जब उनकी कोलिजन होगी डीएम के साथ, डीपी डीपी के पार्टिकल आपस में नहीं टकराए, जब जब उनकी कोलिजन होगी डीएम के पार्टिकल के साथ तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो जब प्रत्येक टक्कर में डायरेक्शन जब चेंज होगी तो बहुत सारी बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इसीलिए वहां पर रैंडम मोशन हो जाएगा। रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, जिसे अपन कहते हैं ना यूं ही इधर उधर भटकना। तो वो बार बार डीपी के पार्टिकल डीएम से टकराते रहेंगे और जितनी बार टकराएंगे उतनी बार वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो डीपी के पार्टिकल कंटिन्यूसली डीएम से टकराते हैं, ठीक, ये कॉज हो गया। अब ब्राउनियन मोमेंट से रिलेटेड कुछ अपन की पॉइंट लिखते हैं जो आपके काम आएंगे कंपटीशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। की पॉइंट अपन इसके नोट करते हैं, की पॉइंट क्या है बेटा, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में बन जाए या फिर आपके कॉम्पिटेटिव में बन जाए कोई पता नहीं, ठीक है, इसलिए आपको याद रखने हैं। देखो पहला पॉइंट है साइज ऑफ डीपी पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्राउनियन मोमेंट के, कैसे आप खुद देखो, डीपी के पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा होगा ना बड़ा, उतना ही ब्राउनियन मोमेंट कम होगा यानी गति कम होगी। आप खुद जानते हो कि जो छोटी चीज होती है वो ज्यादा इधर उधर भगती है, बड़ी चीज होती है वो नहीं भगती है, ठीक है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ी चट्टान है वो वहीं रेस्ट ऑफ स्टेट में पड़ी रहेगी, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर हैं इधर से उधर डिस्प्लेस होते रहते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा चांसेस है वो इधर उधर मूव करेंगे, बड़ी चीज हैवी चीज है उसको हटाने के लिए उतना ही फोर्स चाहिए वहां पर एक्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है, जितना बड़ा पार्टिकल होगा डीपी का उतनी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जब पार्टिकल का साइज देख लो आप सस्पेंशन में चला जाता है यानी 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, क्योंकि अभी कोलोइडल लिमिट में नहीं है, कोलोइडल लिमिट क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, अभी तो 1000 नैनोमीटर से अगर ज्यादा है तो जो ब्राउनियन मोमेंट है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है लगभग खत्म, और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका विस्कोसिटी जब बढ़ती है तो उससे भी क्या होता है, विस्कोसिटी आपको 11 से पता, विस्कस यानी गाढ़ी चीजें होती हैं, जैसे तेल है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, घी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, हनी है उसकी विस्कोसिटी क्या ज्यादा है, क्योंकि ये अपने ही बहने का अपने ही फ्लो का अपोज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है हमारे पास, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्राउनियन मोमेंट के, दूसरा पॉइंट भी ये देखो क्यों, विस्कस ज्यादा होगा तो डीपी और डीएम के बीच में बहुत अट्रैक्शन होगा, पास पास होंगे वो, तो डीपी के पार्टिकल को इधर उधर भगने के लिए जगह कम मिलेगी, तो रैंडम मोशन कम होगा, ब्राउनियन मोमेंट कम हो जाएगी। जैसे पानी और शहद में से आप देखो तो कौन तेजी से भागेगा, पानी, एक पार्ट्स पे आपने शहद भी फैला दिया एक पार्ट्स पे आपने पानी भी फैला दिया, तो विस्कस कौन है ज्यादा बताओ, हनी यानी शहद, ठीक है, पानी कम विस्कस है, पानी दूर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें रैंडम मोशन ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल के इधर उधर भग रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ब्राउन विस्कोसिटी ज्यादा तो ब्राउनियन मोमेंट कम, इसका इनवर्स का मतलब ये होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती दूसरी क्वांटिटी कम होती है। तीसरा पॉइंट बच्चों हमारा क्या है, ठीक है, जितनी ज्यादा ब्राउनियन मोमेंट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि ब्राउनियन मोमेंट से कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बता सकते हो आप, जितना ज्यादा ब्राउनियन मोमेंट होगा उतना ज्यादा कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल होगा। रीजन क्या है कि ब्राउनियन मोमेंट की वजह से ये देखा गया कि कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, डीपी के जो पार्टिकल्स हैं, उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। तो भैया जितना ज्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा उतना ज्यादा वो सॉल्यूशन के अंदर इधर उधर घूमते रहेंगे और सारे एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, स्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब है कि सारे डीपी के पार्टिकल एक जगह अगर जम जाएं, वाटर अलग हो जाए, मतलब डीएम अलग हो जाए, डीपी अलग हो जाए, तो इसे अपन कहते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन खत्म हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये हमने ब्राउनियन मोमेंट यानी कि काइनेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास
ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपने टॉर्च की एग्जांपल लिए या सिनेमा हॉल में जो लाइट बीम का एग्जांपल लिया, उसमें वहीं पे आपको वो डीपी के पार्टिकल दिखाई दे रहे थे, उस रूट पे ही, बाकी क्यों नहीं दिखाई देते। तो दूसरा हेडिंग है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन पढ़ते हैं, जैसे काइनेटिक प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा ब्राउन एंड मोमेंट, तो ऐसे अपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रकाशिक गुणों में पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट, इफेक्ट। टिंडल भी एक वैज्ञानिक थे, प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ठीक। इन्होंने जो बताया वो इनके नाम से हो गया, आप कुछ बताओगे कल को आपके नाम से हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो बच्चों, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले टिंडल इफेक्ट की, और एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो टिंडल इफेक्ट में देखो, ठीक है, अपन बात करें कि व्हेन लाइट बीम इंसिडेंट ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बीम सीन सेपरेटली दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो पहले तो ये सुनो कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, कि जब भी आपने किसी कोलोइडल सॉल्यूशन पर कोई लाइट का बीम, ठीक है, डाल दिया, मतलब लाइट का बीम उसके ऊपर डाला, आपने इंसिडेंट किया, तो वहां पर क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में डीपी के पार्टिकल जो है उनका जो रूट है, जो जो उस लाइट के रूट में आ रहा वो सेपरेट दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आपको जो सिनेमा हॉल में जो रोशनदान से रोशनी आती हुई सेपरेट दिखाई देती है प्रोजेक्टर से, या कमरे में जो रोशनदान से रोशनी आती है वो अलग से दिखाई देती है, उसका कारण क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के कारण क्या होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन पर जब लाइट का बीम आता है तो उसका जो लाइट का जो रूट होता है वो आपको अलग से दिखाई देता है, तो वो अपन को अलग से एक रास्ता दिखाई देता है, एक रोशनी का रूट जो अपन को दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट होता क्या है कि जो लाइट बीम का जो पाथ है वो आपको, लाइट का जो पाथ है वो अलग से दिखाई देता है, इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके, पहला क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जो लाइट का बीम आपको दिखाई देता है सेपरेट आता हुआ, लाइट का पाथ दिखाई देता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब टिंडल इफेक्ट के अंदर होता है क्या, इसको समझने के लिए अपन इस एग्जांपल को लेते हैं कि यहाँ लाइट सोर्स है, यहाँ टॉर्च है आपका, यहाँ एक लेंस लगा दिया मैंने, लेंस क्या करेगा कि जो बिखरी हुई लाइट है इसको एक सीधे डायरेक्शन में कर देगा, और ये लाइट की डायरेक्शन इधर आ रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है। यहाँ पे मैंने ट्रू सॉल्यूशन रख दिया, इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में यहाँ पे लाइट का जो पाथ है, यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ, ये यहाँ से सेपरेट नजर आएगा, यानी यहाँ पे ब्राइट स्पॉट उत्पन्न होंगे, चमक उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से अपन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, देखो इससे कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ, अपन ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर अपन को लाइट का पाथ नजर आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे लाइट आई और लाइट के पार्टिकल टकराए, किसके ऊपर टकराए, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर, मतलब डीपी के पार्टिकल के ऊपर, तो उस लाइट की यहां पर क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग हो गई, वो लाइट स्कैटरिंग, ठीक है। अब यहां से आपको लाइट का जो बीम है वो जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये अभी हमारा टिंडल इफेक्ट आधा हुआ है, आधे को अपन अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यहां तक है, इस एग्जांपल को अपन आगे वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।